जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को 2 महीने बीत चुके हैं। इन 2 महीनों में घाटी की तस्वीर भी बदली है और लोगों की जिंदगी भी। इस बदलाव को मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही घाटी की स्थिति को लेकर भी कई नजरिए हैं। खासकर विदेशी मीडिया का इस पर बिल्कुल अलग रुख है। तो घाटी को लेकर क्या है विदेशी मीडिया की राय, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मोदी सरकार के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बदल दिया। जो अनुच्छेद देश के सिरमौर को भारत के नक्शे पर विशेष राज्य के तौर पर उकेर रहा था, वही अनुच्छेद 370 पलभर में निरस्त कर दिया गया। इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने देश के दूसरे स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने सहित कई अधिकार दे दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को पाबंदियों में रहने को मजबूर कर दिया। लोगों के लिए दूर संचार की सुविधा बंद कर दी गई, आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल तक जाने नहीं दिया गया। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार बेजार है। इन तस्वीरों को लेकर ही विदेशी मीडिया जम्मू कश्मीर की अलग कहानी बयां कर रहा है। लंदन से छपने वाले अखबार द इकोनॉमिस्ट ने लेख प्रकाशित किया है कि 5 अक्टूबर को भारत प्रशासित कश्मीर में लगी पाबंदियों और संचार माध्यमों पर लगी रोक के 2 महीने पूरे हो गए। भारत के न्यायाधीश कश्मीर में हो रही बदसलूकी को नजरअंदाज कर रहे हैं। वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने द यूएन कांट इग्नोर कश्मीर एनीमोर शीर्षक के साथ लिखा कि जब से भारत के हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम बहुल राज्य का विशेष दर्जा खत्म किया है, तब से उनकी सरकार ने वहां कर्फ्यू लगा रखा है और लगभग 4000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में वकील और पत्रकार भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि कश्मीरी युवाओं ने भारतीय सुरक्षा बलों पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात से छपने वाले अखबार गल्फ न्यूज ने तो एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बच्चे मस्जिदों में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे अनेक विदेशी अखबार हैं जो जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक कि देश के लोग भी सरकार के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो घाटी की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदलने का दावा कर रही है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। मोदी से लेकर उनके मंत्री और बीजेपी हर नेता का बस यही कहना है कि जम्मू कश्मीर को हमने स्वर्ग बना दिया, लेकिन लगता है कि उन्हें घाटी की असली तस्वीर नजर नहीं आती, जहां 2 महीने बाद भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, बच्चे घरों से बाहर निकलने को बेचैन हो रहे हैं। ये सब विदेशों में दिख रहा है, लेकिन देश में सरकार जानकर भी अनजान बन रही है, केवल अपनी झूठी तारीफ कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।